अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, फिट फाट, मज़े में? मैं भी अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ ये कीमे के समोसे की। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अच्छा, तो ये मैंने बीफ का कीमा ले लिया है एक पाव, और एक पाव से थोड़ी सी ऊपर होगी, डेढ़ पाव के करीब प्याज, उसको अच्छा सा चॉप कर लिया है। अदरक लहसुन चाहिए होगा 1 टेबल स्पून, 6 अदद छोटी हरी मिर्चों को 1 टीस्पून, धनिया साबुत धनिया 1 टीस्पून नमक डाल के कूट लिया है। 1 टीस्पून नमक ले लें, 1 टीस्पून ले लें आप लाल पिसी हुई मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है। ऑयल जस्ट इतना डालना है कि आपकी जो ये जो भी पैन या पतीली यूज़ कर रहे हैं ना, वो ग्रीस हो जाए बस। उसके बाद मैंने इसमें ये धो के कीमा रख लिया है, बहुत बारीक कीमा लिया है ये मैंने बीफ का। उसमें साथ साथ ही मैं अदरक लहसुन डाल दूँगी, 1 टेबल स्पून डालूंगी ज़रा भर के, क्योंकि ज़रा बीफ है ना तो इसकी वो होती है कि स्मेल। और इसमें ये सारे मसाले ये डालेंगे और जस्ट ना इसको अच्छी तरह से सौते करेंगे और कवर करके रख देंगे। प्याज अभी नहीं डालेंगे। तो आज असल में ये हो ये रहा है कि मेरे हस्बैंड ना अपने स्टाफ के लिए जो है ना अफ्तारी लेकर जाएंगे, तो कीमे के समोसे अभी तक बने हुए भी नहीं थे। तो मैंने सोचा के ना वो कीमे के समोसे भी बना लेती हूँ, क्योंकि जो जेंट्स और हजरात होते हैं ना, वो बीफ की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं शौक से। तो मैंने सोचा कीमे के समोसे मुझे देना चाहिए। रोल वगैरह वैसे भी मेरे ख़त्म ही हो चुके हैं, और एक आध होगा, तो बस ये बना रही हूँ। और प्लीज़ पूरा व्लॉग एंड तक देखिएगा, देखिएगा कि मैं क्या क्या दे रही हूँ, किस तरीके से दे रही हूँ। तो बस यहाँ पे ये ज़रा सा फ्राई हो जाता है, मैं इसको कवर करके रख दूँगी। जब ये बिल्कुल अच्छा, आप आगे साथ साथ देखते रहें आगे का। 15 मिनट हो चुके हैं मेरे कीमा रखे हुए, बल्कि ज़्यादा ही हो गए हैं थोड़े से। देखिए कैसा भुरभुरा सा हो गया है ना, जला भी नहीं और भुरभुरा भी हो गया, इसका मतलब ये डन हो गया है ना। 15 मिनट और बारीक कीमा इतना ज़्यादा 2 दफ़ा मशीन से निकलवाया। अब मैं यहाँ पर फ्लेम को ऑफ करके इसमें जितनी सारी प्याज थी ना, ये 1.5 पाव ये डालूँगी, ये डाल के बस आप इसको सौते करते रहें। अच्छा, फ्लेम ऑफ़ करके प्याज डालने का मकसद ये है कि जो हमने इतनी सारी प्याज डाली है वो सॉफ्ट ना हो जाए। हम बाज़ार के कीमे के समोसे खाते हैं तो उनकी प्याज भी दिख रही होती है तो कीमा भी दिख रहा होता है, वो उसकी वजह यही है कि हम लोग ना प्याज अगर ओवर कुक कर लेंगे तो वो तो सॉफ़्ट हो जाएंगी ना, तो हम सॉफ्ट नहीं कर लेंगे। बस इसको चलाते रहेंगे थोड़ी देर, फिर ठंडा कर लेंगे और कीमे का शेप देके समोसे बना। कीमा ठंडा हो चुका है, मैंने कीमा ठंडा करने के बाद ना इसमें वो आपके सामने मैंने ना इसमें धनिया नहीं डाला था, अभी मैंने इसमें धनिया भी ऐड कर दिया, बारीक बारीक काट के आधी घंटी के करीब डाला होगा, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। बस अब मैं जल्दी से इसको शेप दे लूँगी कीमे के समोसों का। محمد سيد الكونين وثاق عليه محمد سيد الكونين وثاق عليه والفريقين من عرب ومن عجم। इसे फ्राई कर लिए हैं, आलू के पकोड़े फ्राई कर लिए हैं, समोसे फ्राई करने हैं, और ये वाले पकोड़े फ्राई हो रहे हैं, छोले भी बन चुके हैं। बस अब मैं इनको कंटेनर्स में डालूंगी और हस्बैंड को दूंगी। टाइम थोड़ा सा रह गया, मतलब थोड़ा नहीं, अभी बस 1 घंटा होगा तो ये लेके निकलेंगे फ्रेश फ्रेश गरम गरम, तो ज़्यादा अच्छा होगा। बस इसके बाद मुझे जो है ना वो फ्राई करने हैं समोसे, और फिर मैं इसे आपको दिखाती हूँ मैं किस तरह से पैक करके देती हूँ। والحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب بيك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق। जी रोजा खुल चुका है जी, हस्बैंड चले गए थे अफ्तारी लेकर, और आज मैंने ना चाट कस्टर्ड वाली बनाई है, जस्ट कस्टर्ड बना के उसमें सारे फ्रूट्स डाल दें आप काट के। तो मैंने सुबह से ही कस्टर्ड बना के रख दिया था, क्योंकि जाहिर है कि आज देना था, दही बड़े बनाए और छोले और जो आपने देखा था सब, और अभी ये समोसे नहीं चखे, अभी देखते हैं कैसा है।
ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।